नमस्ते नमस्ते भाई, तो खाना हो सभी गया? भाइयों को नमस्कार। और सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि आज पूरे दिन मैं बिजी था और कुछ हादसा भी हो गया मेरे मित्र के साथ में। तो खैर उसकी कुछ नहीं, गार्जियन हमारे अभिभावक हैं, कुछ ऊंचे शब्दों में बोल गए, उनका बोलने का कर्तव्य है, वो फर्ज है, वो बोल सकते हैं, हमारे गार्जियन है। लेकिन मैं दोबारा पहले सभी को धन्यवाद बोलना चाहूंगा और ये स्वागत करना चाहूंगा कि कारवा जरूर हमने चालू अकेले किया था, लेकिन इस कारवा में सभी का हाथ है। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई थी, और इवन इसको लड़ाई नहीं बोला जाएगा। बातें यहाँ आती हैं कि लोग पॉजिटिव बोलें, नेगेटिव बोलें, ये अपना आपका ओपिनियन है, बिल्कुल आप रखें ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज कंफर्म करना चाहता हूँ कि आखिर हम निगेटिव बातें करते थे तो वो निगेटिव थी क्यों? उस निगेटिव बातों में ऐसा क्या था जो हम निगेटिव चले ही जा रहे थे? हमने पहले दिन से भी कहा था कि जिस दिन कंपनी सेटिस्फाइड करेगी उस दिन सबसे पहले झंडे हम गाड़ेंगे, और आज हमने झंडे भी गाड़ दिए। और जितने भी एक्शन हम कंपनी के अगेंस्ट करने वाले थे, आज अगर कंपनी को कोई डिस्ट्रॉय करना चाहेगा उसके अगेंस्ट वो एक्शन हम ले लेंगे, चाहे किसी भी वे में लेना हो, पॉलिटिकल लेना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेना हो या जुडिशियल लेना हो, मैं उसके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार हूं जो कंपनी को बर्बाद करने की सोच रहा होगा। कंपनी ने हमको क्या सेटिस्फाइड किया ये आपको जानने की जरूरत क्या है? मैं तो अभी भी देख रहा हूं कि आप बिल्कुल विवेकहीन बातें कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तो बातें जब पॉजिटिव चल रही हैं, हजारों लोग ये बोलते थे कि 150 लोग हैं जो कि निगेटिव बात करते हैं, और उनकी संख्या 950 की थी, हमारी संख्या 50 की थी, और इन 50 को जब कंपनी ने पॉजिटिव कर दिया तो 950 को दिक्कत क्यों है? दिक्कत ना करें, कंपनी का सहयोग करें, कॉपरेट करें, निसंदेह कंपनी काम करने जा रही है। दूसरा, मैं आपको बता दूं, ये मर्जर की कहानी कोई नई नहीं है, या किसी कंपनी को हायर करना ये कहानी कोई नई नहीं है, ऐसी बहुत सारी कहानी हमने देखी है। बशर्ते फर्क यह है कि किसी ने समझने की कोशिश की और किसी ने समझा नहीं। कुछ देर पहले मैं एक परिचर्चा देख रहा था, राकेश जी के एंड से हो रही थी, अब वो कौन थे मुझको ये नहीं पता। उन्होंने कहा कि अकराडिया के साथ हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। अरे बॉस, करने को हम बहुत कुछ कर देंगे, आप अपनी तलाश करो कि आप क्या कर सकते हो, हमको पता है हम क्या कर सकते हैं। हमने एक्सिस ई कॉर्प सॉल्यूशन को जब पेमेंट दिया, और कंपनी अभी भी बोल रही है कि 51% शेयर इन हैंड हमारे है और 49% हमने अकराडिया को दिए हैं। 51 के बारे में भी सोच लो पहले कि 51 कौन है। सेकंड ये है कि जब पेमेंट आपने ट्रांसफर किया एक्सिस ई कॉर्प के अकाउंट में, एग्रीमेंट आपका एक्सिस ई कॉर्प के साथ है, जब अकराडिया आपके साथ एग्रीमेंट करे, अगर आपको पसंद नहीं आया तो एग्रीमेंट मत करें, आप सेटलमेंट ले ले, क्या दिक्कत है? आप 4 महीने का इंतजार क्यों करेंगे? किसी भी 4 महीने की जरूरत नहीं है, कंपनी के ऑफिसेज रन हो जाने दीजिए। अगर आपको नहीं कंटिन्यू करना है, कंपनी री एग्रीमेंट करेगी अकराडिया के साथ, नहीं करना है, सीधा आप ऑन द टेबल बोले कि नहीं, हमको तो कंटिन्यू नहीं करना है सर, हम तो एक्सिस कॉर्प के साथ ही करना चाहते थे, हम अकराडिया के साथ नहीं करना चाहते। लेकिन अभी मुझको ये बात बताओ, अगर कोई डायरेक्टर अभी सिटिंग पावर में बैठा है और ऑफिस खुला है, तो आप कोई एक्शन लोगे तो उस डायरेक्टर के अगेंस्ट में लोगे? कल को डायरेक्टरशिप पे उस चेयर पे कोई और बंदा आता है तो क्या वो काम करेगा या नहीं करेगा? किसी व्यक्ति विशेष पे कंपनी चलती है क्या? हद हो गया आपके सोचने के नजरिए को भाई, सैल्यूट है। इतना तो मैं किसी को ज्यादा ब्रीफिंग नहीं कर सकता क्योंकि मुझको पॉजिटिव करना और निगेटिव करना किसी के बस की बात नहीं है। बस हम थोड़ा सा फर्क ये है कि हम ग्रेजुएट हैं, हम पॉजिटिव निगेटिव नहीं, हम ग्रेजुएट हैं और हम कागज कलम पे चलते हैं। कल कंपनी का एमडी क्लियर लिख के आपको दे रहा है अपने लेटर हेड पे, फिर भी आप सवाल उठा रहे हो कि ये तो लिख के दे रहा है, लिख के दे रहा है। अरे एग्रीमेंट दिया था, 8 महीने कहाँ हुए मुझको ये बताओ? 26 अक्टूबर से आपने एक रेगुलेशन लाया और 26 अक्टूबर के बाद का रिजल्ट आपको मिल रहा है कि 2 महीने के अंदर लगभग 6 स्टोर खुल चुके हैं और आगे के स्टोर की भी प्लानिंग है। इतनी प्लानिंग नहीं है, 10 गुना ज्यादा स्पीड के साथ प्लानिंग है। सोशल मीडिया को मजाक बना रखा है क्या किसी ने कि सोशल मीडिया पे लिख के और कोई भी कंपनी के एमडी लिख के दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू नहीं है? वैल्यू तो बहुत है, साइबर सेल पहुंचोगे तो पता लग जाएगी कि वैल्यू कितनी है उस व्हाट्सएप की। इसलिए नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, हम पॉजिटिव हो चुके हैं। और जिनको लगता है और जो हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, हमसे
नहीं ये करना चाहते, हमको समझना नहीं चाहते। बॉस आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, मैंने पहले दिन भी बोला था कि 26 अक्टूबर को मैं अकेला काफी हूँ, मेरे पैसे की श्योरिटी आपसे मुझे लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पैसे की श्योरिटी कंपनी से थी और कंपनी ने श्योर कर दिया, यही चाहिए था, जो चाहिए था वो कंपनी हमको दे चुकी है। फर्क ये है कि अगर आप फिल्टर करना चाहें तो ये समुद्र है, जिस तरह पढ़ाई की परिसीमा नहीं है, आप मरने को मर जाओगे और पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, तो आपको फिल्टर करना है, आप फिल्टर कर सकते हैं अपने बेस्ट पे, आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन आप डायरेक्ट किसी को हिट करेंगे, मुझको करो यार कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास फालतू टाइम पड़ा है व्हाट्सएप में लिखते रहो हर्ष तिवारी ने ले लिया ये कर लिया, अरे हर्ष तिवारी ले लेगा तो क्या तुम्हारे हिस्से की लेगा क्या? हर्ष तिवारी को मिलेगा तो उसने जो पैसा दिया वही मिलेगा। हर्ष तिवारी का कल को स्टोर खुल जाए तो आप बोलोगे अरे भाई इनका तो स्टोर भी खुल गया, क्यों नहीं खुलेगा, पैसा हमने दिया मर्ज के लिए हम तैयार हो गए। और ये तो मैं ये बोलूंगा कि आप लोगों के वजह से मैं तैयार हो गया मर्ज के लिए, नहीं तो मेरा क्लियर स्टैंड था कि मुझको सेटलमेंट करना है, आपके स्टैंड से मुझे कोई लेना देना है नहीं, आप सेटलमेंट करो या कंटिन्यू करो। बट मैंने देखा कि यहाँ पे हजारों लोग आज भी तैयार हैं कंटिन्यू करने के लिए, तो उस हजार में मैं एक बढ़ जाता हूँ, 1001 हो जाऊंगा, क्या दिक्कत है। हमने पूरा कंपनी को समर्थन दिया, और जब कंपनी को गिराने के लिए भी हम क्षमता रखते हैं तो कंपनी को उठाने की भी क्षमता रखते हैं, और वो हम करेंगे। अगर कोई अब चाहेगा कंपनी को डिस्ट्रॉय करना तो हम उसको ही नस्तो नाबूद कर देंगे, हम उसी को डिस्ट्रॉय करेंगे जो कंपनी के अगेंस्ट में सोचेगा कुछ करने के लिए। क्या अभी हमारे कुछ लोगों ने बोला, सादिक जी ने बोला, मैं सादिक जी को बहुत पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे विषय में इतना सोचते हैं, बहुत परमप्रिय मित्र भी है हमारे, सादिक जी हैं, राकेश जी हैं, इवन आप सभी लोग मेरे मित्र हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। आप लोग मेरी चिंता ना करें कि मेरा कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा, मैं सफिशियंट हूँ, मैं फैमिली बैकग्राउंड से भी बेहतर हूँ और पैसे से भी बेहतर हूँ। बॉस मुझे किसी से पैसे की जरूरत नहीं है, अगर लीगल भी जाना होगा तो पेपर आप लेके चले आना, मैं सबमिट करा लूंगा, बट अब लीगल की नौबत ही नहीं है। एक ही झटके में हमारे त्यागी जी ने क्लियर कर दिया कि लो जी मैं रिटर्न में दे देता हूँ। अरे राइटिंग के सिग्नेचर की वैल्यू तो समझो, अगला कंपनी का निदेशक आपको दे के सीधा नोटिफाई कर रहा है और डेट के साथ कर रहा है। जब मैंने उस डेट पे भी परिचर्चा की, मैं ये भी बता दूं, उस डेट पे भी परिचर्चा की मैंने, उन्होंने बोला हो सकता है सर इसके पहले भी हो जाए, जरूरी नहीं है कि 20-21 हमने कोई डिसाइड कर रखा है, पहले भी हो सकता है, हो सकता है कि 25 के बाद भी हो, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नहीं करने तो दो साहब, अब तो करने जा रहा है, अगला काम कर रहा है, क्या घर हमने छोड़ रखे हैं, क्या घर हमारे त्यागी जी ने भी छोड़ रखे हैं, उनकी भी फैमिली कहीं और पड़ी है, वो भी कहीं और पड़े हैं, फैजान जी ने भी घर छोड़ा है। अगर अगला बंदा बाहर से $1 भी लेके इंडिया में फेंक देता है तो वो 84 रुपए हो रहे हैं, कहां सोच रहे हो आप। सवाल हमारे भी यही थे कि ये लोग बाहर में काम कर रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, तो विदेशों से डॉलर लेके इंडिया में फेंकना चाहते हैं, क्या खराबी है इसमें। $1 मतलब 1 रुपया उन्होंने फेंक दिया, यहाँ पे 84 रुपया हो गया, तो क्यों हम सेटिस्फाई नहीं हो, क्यों हम काम ना करने दें। और ऐसे बंदे जो सोच रहे हैं कि हम काम ना करने दें, तो बॉस ओपन आपको चैलेंज है हमारा, हम आपको डिस्ट्रॉय करेंगे पहले, आप में दम जितना दम है दम लगा लो बर्बाद करने के लिए। और हमने तो ठान लिया है कि हम आबाद करके रहेंगे कंपनी को, क्योंकि हजारों का भविष्य है इसमें, अगर काम नहीं होता है तो वो भी तैयारी हमारी पूरी है, हमको तो बस यहां से अब पुशअप करना है, आगे निकल जाएगा जो निकलना है, यहाँ दिल्ली में झकनी मार रहे हैं हम 15 दिन से बैठ के। लेकिन अगले की भी दास्तान सुननी जरूरी है कि निसंदेह वो भी काम कर रहा है, तो आप लोग पेशेंस रखें, आप लोग ग्रुप में, मैं ये नहीं बोलता, मैं ये किसी को नहीं बोल रहा है, जिसका दिल ना करे वो ना करे जय स्टोर, जिसका दिल नहीं करता वो बिल्कुल गाली देना चाहे गाली दे सकता है, लेकिन मेरे से क्या वास्ता है आपका। आपको हमने बुला दिया इसलिए, आपको खड़ा कर दिया इसलिए, या आपने साथ ले लिया इसलिए, अगर मैंने हाथ बढ़ाया तो आपने भी हाथ बढ़ाया, मैं ये नहीं बोलता कि मैंने किया और आपने नहीं किया, हम दोनों के जब हाथों का ये पेयर मैच हुआ तब जाके कुछ हो रहा है, और आज कर रहे हैं लोग, तो थोड़ा आप लोग पेशेंस रखें
और करने दें, बट अब आप अपनी ड्यूटी देखें कि कम से कम इनको खड़े करने में जो समय लग रहा है, अगर ये 10 गुना रफ्तार से चलना चाहते हैं तो इनकी रफ्तार 50 गुना भी की जा सकती है, वो 50 गुना हम ही 50 करने वाले हैं, दूसरे नहीं है। तो इंतहा हो गई बिल्कुल, कि निगेटिव वाले पॉजिटिव कैसे हो गए, पॉजिटिव वाले निगेटिव कैसे हो गए। अरे भाई कोई निगेटिव और पॉजिटिव नहीं है। दूसरा, जैसा आपने कहा, मैंने ऑलरेडी मैनेजमेंट से बोला है और अगर कल बात होती है तो मैं फिर बोलूंगा कि कम से कम न्यूनतम एक एक पेमेंट 20 तारीख के बाद जितने भी फ्रेंचाइजी होल्डर हों, वेदा पॉइंट हो, वेदा मार्ट हो, जितने कुछ भी हो, किसी से भी ताल्लुक रखता हो, कोई भी आईडी होल्डर हो, 1000 रुपए का ही हो, बट एक एक पेमेंट भी सर दिया जाए ताकि सेलिब्रेशन न्यू ईयर का जबरदस्त हो। हम ये करेंगे आपके लिए, हम बोलेंगे उनसे, बातें करेंगे ना। तो अगला आया है काम करने, तो काम क्यों नहीं करने दें बॉस, बिल्कुल काम करने देंगे। लेकिन आप लोग ग्रुप में सोचते हैं कि ये लिख के इन्होंने ले लिया, उन्होंने ले लिया। अरे मैंने तो 28 को भी लिया था और मैं आज भी लूंगा, मेरा जिस दिन स्टोर खुलेगा मैं उस दिन भी लूंगा, आपका खुलेगा आप भी ले, नहीं मिलता है तो मुझको बताएं कि मुझको नहीं मिला है, हम बात करेंगे आपके लिए भी। ऐसा नहीं है कि हमको मिल जाए और आपको ना मिले, क्योंकि अगर सेटिस्फाई सभी नहीं होंगे तो मार्केट चलेगा ही नहीं, और कंपनी किसी एक के लिए नहीं सभी के लिए सोच रही है। तो मौका देना कर्तव्य बनता है, और बिल्कुल उस कर्तव्य को ये लेकर चला जाए और सहयोग किया जाए। दूसरा, हमारे गार्जियन है, मैं सभी से, क्योंकि हमारे गार्जियन से सबसे छोटा कोई है नहीं यहाँ पे, तो मैं सभी से उनके रिगार्ड से मैं माफी मांगता हूँ अगर कुछ उन्होंने बोल दिया हो आवेश में, और हालांकि गार्जियन है तो बोलना उनका फर्ज है और वो बोल भी सकते हैं क्योंकि गार्जियन बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस उम्र में उनको दोस्त कहिए या अपना गार्जियन कहिए या अपना छोटा मान के चलिए, ऐसे व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं। आज मैंने इनको सुबह इनवाइट किया था गाजियाबाद के लिए, ये राइट टाइम 11 बजे मेरे पास पहुंच गए और एक अच्छा खासा समय हमने बिताया, लेकिन आज बहुत व्यस्त थे इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्पॉन्ड नहीं किया तो कोई हमको ये सुनना नहीं चाहते या हमको बताना नहीं चाहते, इसलिए आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें। मैंने पहले ही बताया था कि जिस दिन हम सेटिस्फाई होंगे उस दिन 5000 से अबोव चलेंगे, और आज हम 5000 प्लस अबोव सेटिस्फाइड हैं कंपनी से, ये हमारा नजरिया है और नजरिया हमने बना लिया। और ये 5000 में दोनों वे मैं आपको बता दूं, अगर कंपनी खड़ी नहीं उतरती है तो निसंदेह वो कार्रवाई करेंगे जिस कार्रवाई के बारे में कंपनी ने सोचा भी नहीं होगा, रुक आप जाएगी इंडिया में। लेकिन जो करने वाला है उसका स्वागत होना चाहिए, और बिल्कुल हम स्वागत कर रहे हैं, आपसे भी उपेक्षा यही है, ये मेरा आपके ऊपर कोई ये नहीं है, आपका ओपिनियन अपना है बॉस, आप क्या लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हमने कुछ देखा तो हम इनके साथ हैं और नहीं दिखा था तो हम साथ नहीं थे। लोग सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, आपका फर्ज बनता है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार भी हैं, हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है जो लाइव आके या किसी तरह से आके आपको ये करेंगे, हमारा तो सिंपल है, जब आप कांटेक्ट करेंगे तब रिप्लाई देंगे। कंपनी के साथ कंटिन्यू करने का मेन मुद्दा इसलिए मैंने बनाया क्योंकि सभी को पता है मेरा कोई भी अमाउंट इंटरेस्ट पे नहीं है, मैंने एक फंड से यहाँ 1.25 करोड़ मेरा टारगेट था, जो कि जानते हैं फैजान साहब मेरे को, क्योंकि मैं पहले 5 चेक जो मैंने उनको दिए थे 5-5 लाख के, वो 5 बुकिंग की थी मैंने 5 एरिया पिन कोड पे, बट मेरे जो फ्रेंड जो मेरे डायरेक्टर है मेरे कंपनी में, उन्होंने ही बोला कि पहले कम से कम एक लेके ट्रायल लिया जाए उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो मैं आज फिर से बोलता हूँ 4 महीने में कंपनी बहुत अच्छा करने जा रही है तो पांचवे महीने में बाकी के भी 1 करोड़ में डालूंगा कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मर्जिंग को देख के आपका डर जाना, ये आपका अकराडिया के ऊपर सवाल उठाना या आपका एक्सिस ई कॉर्प के उठाना, ये सारी चीजें बेतुकी है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए जो ये चीजें हैं आप लोग बिल्कुल इसको समझें और पेशेंस रखें,
और अपनी जितना टाइम आप लोग बर्बाद कर रहे हैं यहाँ वहाँ बातों में, मैं उससे ज्यादा आपको बोलूँ कि आप मर्जिंग में सपोर्ट करें कंपनी को, ताकि कंपनी को भी आइडिया लगे कि वास्तव में कौन सी जगह अच्छी है जहाँ पे इन्वेस्टर भी हमारे तैयार है। तो इसको देखे ना आप, ये ग्रुप में ज्यादा टाइम बेकार करने से क्या फायदा है, चीजें पॉजिटिव जा रही है, आपको हम आश्वस्त करते हैं कि पॉजिटिव जा रही है, पॉजिटिव होगा भी, वेट करिए देखिए नजारा। मदन जी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी हेलो, नमस्कार, कैसे हैं मदन जी? हाँ एकदम ठीक है, बढ़िया। आपने तो सही बोला, वो बात नहीं है, लेकिन आज एक मैं बोलूं क्या? हेलो जी, जी बोलिए। नहीं मैं नंदलाल जी भी अभी बोले, मेरा मतलब है क्या, अभी देखो सब सपोर्टिंग जब होता है ना, तो कंपनी ने भी देखा उनका मेजोरिटी बहुत अच्छा है, तो सब देख के उन्होंने कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको दी है, बराबर। लेकिन मेरा मतलब है कि सब शांत से सबको बताना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी ये सब लोग आपने जुड़े हैं, 60-70 लोग ये सब आपके साथ में है, तो निगेटिव बोलेगा अभी अभी हम तो पॉजिटिव है ही, ऐसा नहीं, निगेटिव बोलता तो अच्छी तरह से अगर समझाया तो सब कुछ हो जाएगा। मेजोरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मेरे ख्याल से सबको एकदम समझदारी से बात करके सब सुलझाना चाहिए, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ भैया, अभी कोई अभी देखो कोई नाराज होता है, बराबर, उनको जरा अच्छे शांत स्वभाव से अगर समझाया ना तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। ये कंपनी अभी पॉजिटिव में है, सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी एक दूसरे को बोल के मंग वो मेजोरिटी अपना कम हो जाएगा आगे, और कुछ नहीं। धन्यवाद। हाँ मदन जी, मदन जी एक सेकंड रुको आप। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। आप तो मीटिंग में आते हैं लेकिन कभी कभार आते हैं, कंटिन्यू नहीं आते। आपने कितनी बार गालियां सुनी है, गालियां कितनी बार सुनी है आपने? हेलो, हाँ नहीं सुनिए, नहीं अभी मैं कल से ज्यादा देख रहा हूँ, कोई बोलते नेगेटिव अभी बोल रहे हैं कल से, ऐसा नहीं है। उसके पहले तो आपके साथ में है ना, सब लोग आपके कंधे से कंधे मिला ना, आपके साथ है, लेकिन गालियां कितनी बार सुनी आपने एक महीने के दौरान, बताइए। हाँ वो तो है, वो के व्हाट्सएप में आज भी मैंने गाली सुना, आज भी मेरी बात खत्म होते ही किसी ने गाली दिया, और खूब गाली दिया। नहीं गलत है बात। तो क्या होगा, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मेरे लिए मैं काम नहीं कर रहा, इसको आप मानते कि नहीं मानते? नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा चांस से सब हो जाता है ना, बहुत अच्छा होता है काम आगे। गलती बात है, ऐसा नहीं होता। आप जो है जबरदस्ती अपनी बात मनवाने के लिए हमको परेशान करोगे, ऐसा हक नहीं बनता आपको। आप कहाँ हमारे साथ हो, सिर्फ बातों से हमारे साथ हो? हमारे साथ कोई एग्रीमेंट किया है क्या आपने? हम जो कर रहे हैं तपस्या, उसमें कोई भागीदारी है क्या आपकी? हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो 5 तारीख को 6 तारीख को वो क्या नाम है मयूर विहार का ओपनिंग हुआ, उस ओपनिंग से 3 दिन पहले से हम पांचों 3 लोगों को टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। यहाँ उपस्थित किसी भी लोग है वो जरा हाथ उठा के बताए कि क्या इस स्थिति में उनके नाम को टेररिस्ट में घोषित कर दिया जाए और इस तरह के संदेश जारी कर दिए जाए, कई लोगों से क्या बताएं, गरम गरम ऐसी बातें कर दी जाए, उसका हिम्मत पड़ेगा स्टोर में जाने का? और मैं उस परिस्थिति में भी उस ओपनिंग के दिन स्टोर में जाके घूम के आया, और उस पर तुम अब ऐसे से सवाल करते हो? अरे भाई, निगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों शब्द बने हैं काय के लिए? हम निगेटिव गए तो क्यों गए? और आप अगर पॉजिटिव नहीं थे, पॉजिटिव अगर थे आप, तो हमारे साथ आए क्यों? और आए अपने काम को अंजाम देने के लिए। हमारा जो उद्देश्य है, गार्जियन आप रुक जाइए, मैं इनके सवालों का जवाब देता हूँ। मदन जी आपने 2 ग्रुप सुने होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। 26 अक्टूबर से ही बहुत सारे पॉजिटिव भी चल रहे थे लोग, जो कि कनेक्टिंग में थे एमडी और सीएमडी के, और हम निगेटिव भी होते हुए भी हम भी कनेक्टिंग में थे एमडी और सीएमडी। हाथ भाई,
हर्ष भाई गौतम जी नहीं 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 आप भूलेंगे नहीं, मैं याद दिला दूंगा। मैं एक सेकंड यहाँ पे सभी को बता दूं भाई, मेरे 26 तारीख को ग्रुप जो बना उसी में से निकल कर पॉजिटिव बने हैं, उसी में से निकल कर। घंटा साला किसी के दिमाग में नहीं था कि ऐसे ग्रुप बनाएंगे और ऑल इंडिया को इकट्ठा करेंगे। मैं ये मतलब वो जिन्होंने भी, चाहे वो विकास यादव हो, चाहे रजूर रहमान हो, या आपका जो डॉक्टर जिगरे हैं महाराष्ट्र, वो भी हो, वो भी इस ग्रुप से निकल के जाके वहां पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले बना दिया था, एक ग्रुप था सपोर्ट में और दूसरा ग्रुप था मतलब नेगेटिव में। ग्रुप एक ही था, उसमें से निकलकर वो अपना फिर बनाए। गौतम जी मैं बता दूं आपको, अभी जैसा पाटिल साहब ने पूछा, बहुत अच्छा सवाल था उनका कि लोग जानना चाहते हैं, तो वो कौन से लोग जानना चाहते हैं पाटिल साहब? जो मेरे साथ खड़े थे बस उनको जानने की जरूरत है, या जो ऑलरेडी पहले से चुप थे उनको जानने की जरूरत है? ये सबको जानने की जरूरत नहीं है, ये जानने की जरूरत उनको है जो निगेटिव थे कि हम पॉजिटिव कैसे हैं। तो उसके लिए डायरेक्ट कॉल आता है, मैं बता दूं मदन साहब सुन लीजिए, डायरेक्ट कॉल ऑलरेडी मेरे पास आता है और मैं एज ए कॉल सेंटर काम कर रहा हूँ आज के डेट में विदाउट एनी सैलरी। तो जो मेरे पास कॉल करते हैं मैं उनको सेटिस्फाइड कर देता हूँ, बट ओपन ओपन प्लेटफॉर्म पे तो मैं किसी को नहीं करूंगा, क्योंकि उनको ये जानने का हक नहीं है जो पहले से पॉजिटिव है, क्योंकि उनको उनके पास तो ऑलरेडी न्यूज है। तो जो निगेटिव है, उन निगेटिव में जो जनरेशन है, वो मुझको दिल्ली में ऑलरेडी पता लग गई थी जब मैं दिल्ली पहुंचा था। जितने लोग आए थे और जितने हमारे साथ खड़े हुए या जितने उनकी नंबर ऑफ पीपल हैं, वो डायरेक्ट मेरे कनेक्टिंग में, वो लोग पॉजिटिव है, उनको मुझको करने की जरूरत नहीं है। वो मेरे निगेटिव से पॉजिटिव होने का रहस्य जान चुके हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है जो पहले से पॉजिटिव है। सेकेंड मैं आपको बता दूं कि हम पॉजिटिव क्यों हुए, ये मेरा पैसा है, मेरी मर्जी है। मैं क्यों हो गया, क्योंकि जब मैं निगेटिव था तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी, 950 लोग, आप लोग यूट्यूब देख लें, एक माल्या कुमार है उन्होंने बोला था कि 950 बंदे हमारे साथ हैं और सिर्फ 50 लोग उस ग्रुप में हैं, उस 50 में भी 30-40 मेरे हैं। इसका मतलब है कि टोटल जनरेशन हमारी कितनी हुई नेगेटिव की, 20। तो वैसे 20% जो थे, मेरे मुनसाब जी थे, मेरे सादिक भाई थे, हमारे गार्जियन थे, गौतम जी थे, सुनील जी थे, बलजिंदर जी थे, ये सब पॉजिटिव हो गए, काफी है। बाकी लोगों को बताने की क्या जरूरत है? राजे दिल क्यों खोल दें और उनको क्यों बता दें जो पहले से पॉजिटिव थे? उनके पास तो ऑलरेडी जवाब है, यहाँ जवाब देने की हमको जरूरत नहीं है। दूसरा मैंने जो बताया आपको, मेरे पॉजिटिव होने का जो मैंने 5000% कहा था, वो 10000% तब्दील हो जाएगा 3 से 4 दिन के अंदर, वो आपको दिखा देंगे हम जलवा। वो ऑलरेडी त्यागी जी हमसे कमिटमेंट कर चुके हैं, बहुत जल्दी वो नजर आने वाला है। ऐसा निदेशक तो मैंने देखा ही नहीं था, ऐसे डायरेक्टर को सैल्यूट है, दिल से सैल्यूट है। वास्तव में वो लोग डायरेक्टर हैं, उनके साथ परिस्थितियां हुई, इन चीजों को जब ओपन कर दिया उन्होंने हमारे साथ, तो फिर अब जानने की जरूरत क्या और बताने की जरूरत क्या है? जो हमारे पर्सनल कॉन्टेक्ट में है वो डायरेक्ट आके बात कर सकते हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है जो पहले से पॉजिटिव है। मदन जी नहीं, बराबर है, सबका अच्छा होना चाहिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और कुछ नहीं। चलिए, ये अभी आप जो बोले मदन जी, जो आप बोले ईश्वर का नाम, ईश्वर से बड़ा साक्षी कोई नहीं है और ईश्वर से बड़ा राजदार कोई नहीं है। राज को राज ही रहना दिया जाए, काम हो रहा है। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, आपके कंपनी के कोई टॉप लीडर दे या ना दे, बट यहाँ मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि जितने लोग हमारे साथ खड़े थे निगेटिव में, उनमें से किसी का भी बुरा नहीं होने वाला, और पॉजिटिव वालों का तो ऑलरेडी बुरा नहीं होने वाला।